फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बाय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण विषय प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल यह आपका हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम प्रजामंडल से रिलेटेड जो भी आंदोलन प्रजामंडल बने हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रजामंडल का अर्थ। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा प्रजा प्लस मंडल, अर्थात जो प्रजा का मंडल है, जनता का संगठन। जनता जब अपने अधिकारों के लिए इकट्ठी होकर के एक मंडल बनाई थी तब कहलाया था प्रजा मंडल। प्रजा मंडल के उद्देश्य थे सामंतों के प्रति, जब बहुत ज्यादा उनका अत्याचार बढ़ता चला गया सामंतों का जनता के प्रति, किसानों के प्रति, तो अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए जनता ने संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण किया। कई तरीके संस्थाएं गठित की गई जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य रखा गया। नागरिकों को उनके अधिकार दिला करके उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रजामंडल का उद्देश्य था, क्योंकि यह प्रजा का गठित मंडल है। राजस्थान में जो सबसे प्रथम प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में प्रजामंडल की शुरुआत कब से हुई, किस ईयर से हुई, 1931 से, 1931 से, और इसकी स्थापना जयपुर प्रजामंडल से मानी जाती है। इसके संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज, और इस प्रजामंडल के दौरान एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी हुआ 1942 में, जो हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, उनके बीच में एक समझौता हुआ था जयपुर प्रजामंडल में। जयपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो अगर इनके इस क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। दूसरा जो प्रजामंडल था वह था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी 1931 में ही हुई थी, और इसकी स्थापना, यह जो प्रजामंडल गठित किया गया था वह कांतिलाल चौथाणी के प्रयासों से गठित किया गया था। तीसरा प्रजामंडल जो हम बात करते हैं वो है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में जोधपुर में हुई, और इसके संस्थापक जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास, जिनको शेर राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की थी। क्वेश्चन अधिकतर आपसे या तो ईयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे या उनके अध्यक्ष या संस्थापक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना 1934 में जोधपुर में हुई थी, जय नारायण व्यास ने की थी। नेक्स्ट प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की स्थापना 1936 में श्री मूलचंद, श्री ज्वाला प्रसाद, कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मघाराम व श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि बीकानेर प्रजामंडल जो था एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कोलकाता में हुई थी। तो यह क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में भीलवाड़ा में की गई। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र ओझा ने की, और इसके जो महासचिव थे वो लाटूराम शर्मा थे। शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रजामंडल जो है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई। इसके अन्य कार्यकर्ता में हम देख सकते हैं थे माणिकलाल वर्मा, श्री भूरेलाल बया। इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो माणिकलाल वर्मा ने किया था, और 1941 में हुआ था, और वह भी उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किया गया था। अब देख लीजिए, इस प्रजामंडल का, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिकलाल वर्मा ने 1941 में उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किया था। नेक्स्ट प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से की गई, और इसकी अध्यक्षता, भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता गोपीलाल यादव ने
की थी। नेक्स्ट प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा 1938 में की गई और इसका रजिस्ट्रेशन एक साल बाद में हुआ 1939 में, और इसके बाद इसके अध्यक्ष सरदार नत्थामल बने। नेक्स्ट प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल इसका जो स्थापना वर्ष है वो है सन 1934, और सबसे पहले इस प्रजामंडल को 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से जाना गया था। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं कि इस प्रजामंडल का पहले नाम था हाड़ौती प्रजामंडल, लेकिन बाद में सन 1938 में 1938 में पंडित नैनूराम शर्मा, अबिन हरि एवं तनसुख लाल मित्तल के प्रयत्नों से पुनः स्थापित हुआ और इसका नाम हो गया कोटा प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल यह 1939 में श्री त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्री कांतिलाल चौधरी ने की थी। अब इसी तरीके के और अन्य प्रजामंडल हैं जिनको आप ईयर वाइज देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट भी बनी हुई है, उसमें हमने ईयर वाइज लगाया है। जैसे सबसे पहले जो अन्य प्रजामंडल में नाम है वो है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1942 में, और इसके संस्थापक थे श्री भंवरलाल निगम, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी इस मंडल की, और कन्हैयालाल सेठिया इसके अन्य कार्यकर्ता भी थे। नेक्स्ट प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को, और इसके संस्थापक थे भोंगीलाल पांड्या। नेक्स्ट प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 27 मई 1945 को हुई थी, और इसमें जो संस्थापक सदस्य थे उनमें थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर। नेक्स्ट प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 में 1945 में श्री चुन्नीलाल व अमृतलाल द्वारा गठित किया गया प्रजामंडल है। नेक्स्ट प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा की गई, और यह प्रजामंडल जोधपुर में गठित किया गया। झालावाड़ प्रजामंडल नेक्स्ट है, जो इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1946 को 1946 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री मांगीलाल भव्य, जिन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की, और कन्हैयालाल मित्तल में मकबूल अलाम इसके कार्यकारिणी सदस्य थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बात करी है प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल जिन सबका मेन उद्देश्य था अपने अधिकारों की प्राप्ति करना, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति करना और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये प्रजामंडल, जैसा कि हमने आपको बताया, एक असंतोष के प्रति गठित किए गए संगठन थे जनता के अपने अधिकारों को लेकर के। इनको हमने आपके सामने एक ईयर वाइज लगाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले 1931 में राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जो जयपुर प्रजामंडल आया, फिर आया बूंदी प्रजामंडल जो 1931 में इसी के साथ है, नेक्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, फिर धौलपुर प्रजामंडल 1936 में, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल 1938 में, अलवर प्रजामंडल 1938 में। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इनको इस अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं कि 1938 में हमारे पास में 4 प्रजामंडल है, शाहपुरा, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल जो 1934 में, करौली प्रजामंडल 1939 में, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। तो 1939 में 2 प्रजामंडल, करौली और किशनगढ़, फिर कुशलगढ़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़ प्रजामंडल की लिस्ट आपके सामने। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।